शरद पूर्णिमा की रात चंद्रदेव 16 कलाओं से युक्त होते हैं। यह केवल वर्ष में एक बार ऐसे होते हैं। इस रात ओस के कण जब हमारी खीर पर पड़ते हैं तो फलस्वरूप खीर बिल्कुल अमृत तुल्य हो जाता है, और जब हम इसे प्रसाद रूप में सेवन करते हैं तो हमारा शरीर वर्ष भर स्वस्थ एवं आरोग्य रहता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कैसे खीर बनाती हूँ। मैं ये खीर मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ, और इसमें मैंने डाला है गाय का दूध जो आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा है। इस खीर को गाय के दूध में बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। आप चाहें तो इस खीर को चांदी के बर्तन, पीतल या मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं। पीतल में मैं बनाती नहीं, चांदी का बर्तन इतना बड़ा मेरे पास है नहीं, तो मुझे मिट्टी के बर्तन में ये खीर बनाना ज़्यादा अच्छा होता पड़ता है। मिट्टी के बर्तन में उफान जल्दी आता है, इसलिए मैं लो फ्लेम पे केवल एक उबाल आने दूंगी। मैं दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूंगी, इसलिए मैंने चावल को पहले ही उबाल लिया था और उसको उबाल के रख लिया है ताकि मुझे इसे बहुत ज़्यादा उबालना न पड़े। मैं इस खीर को केवल के दूध को केवल 2 या 3 उबाल आने देती हूँ, और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कटोरी में उबला हुआ चावल है मैंने इसे बर्तन में डाल दिया है, और इसे थोड़ा सा एक उबाल में आने और दूंगी। चावल को देवताओं का अन्न कहा जाता है, विशेष रूप से माता लक्ष्मी चावल की पूजा से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो अब इस चावल को, इस खीर को मैं एक उबाल और आने दूंगी। इस प्रसाद वाली खीर में किसी भी काजू, बादाम, पिस्ता का मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर इसे में बहुत सी चीज़ें मेवा डाल दिया गया तो इससे गुर्दों पे भार पड़ता है। अगर बहुत सी चीज़ें डालकर दूध को हम गाढ़ा करके खीर बना देते हैं तो इस प्रसाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वैसे तो हम लोग ऐसे यूज जब करते हैं तो खीर को बहुत ही दूध को गाढ़ा करके उसमें मेवा डाल के खीर को बनाते हैं, लेकिन इस खीर का नियम है, इसका विधान है कि आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाइए। कहा जाता है कि दशहरे से पूर्णमासी तक चांद की किरणों में एक बहुत ही हितकारी रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से हमारा खीर उसमें जब उसके कण पड़ते हैं तो अमृत तुल्य हो जाता है। 2 उबाल आ चुके हैं, अब मैं खीर में गंगा जल डालूंगी और डाल रही हूँ एक चांदी का सिक्का। इसे मैंने गर्म पानी से अच्छे से उबाल लिया था गर्म पानी में, और तुलसी पत्ता भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सोने की भी कोई सामग्री डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 कप चीनी डाला है, चावल भी मैंने 1/2 कप ही लिया था। अब मैं इसे एक उबाल और लगाऊंगी। फ्लेम को मैंने थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दिया था क्योंकि दूध में उफान बहुत आ रहा था, और मैंने थोड़ा सा दूध अलग करके निकाल भी लिया है क्योंकि उफान आने से बार बार गिरने लग रहा था। चावल ऑलरेडी पका हुआ है, ज़रा सा उबाल से ये पक जाएगा और मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। थोड़ा सा उबाल आने का मैं वेट और कर रही हूँ। अब खीर पक चुकी है और इसमें मैं 2 इलायची पीस के डाल दे रही हूँ कि थोड़ी सी खीर में खुशबू भी आ जाए। अब इस तरीके से खीर को मैंने प्लेट में रख दिया है और जाली से ढक दिया है, और इसे अब मैं छत पर लेकर के आई हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, रात के 12:30 बजे तक मैं इस खीर को हटा लूँगी। कहा जाता है, ये मान्यता है कि आज की रात चांद को देखने से, चांद की रोशनी में सुई में धागा डालने से ये बहुत शुभ काम होता है। तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि आज की रात अगर चांद की को ध्यान से देखा जाए तो हमारे आँखों की रोशनी तेज होती है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये नियम बनाया है। तो दोस्तों देखिए, मैं इस खीर को रात के 12:30 बजे लेकर के चली आई थी, सुबह हो चुकी है। अब मैं इस खीर को प्रसाद के रूप में लगा रही हूँ सबके लिए। खीर बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है और ये खीर वाकई में अमृत तुल्य हो जाती है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैंने खीर को लगा लिया है प्रसाद रूप में, और अभी इस मटके में चांदी का सिक्का है इस बर्तन में, जो मैं निकाल लूँगी। पुराने ज़माने में चांदी के बर्तन में खाना बनता था, जिससे कि खाना का जो है पोषक तत्व तो बढ़ जाता था, इसीलिए मैंने चांदी का सिक्का इसमें डाला था। अब ये खीर की रेसिपी बिल्कुल तैयार है दोस्तों, एकदम सादा सी सरल प्रसाद के रूप में मैंने इसे बनाया है।
रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।